पुणे हिट एंड रन केस से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। आरोपी नाबालिग के पिता को 14 दिन की जेल हो गई है, साथ ही चार और आरोपियों को 7 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस खबर पर फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है संवाददाता नीलेश शुक्ला। बताइए नीलेश, अब तक पुलिस ने इस मामले में क्या क्या खुलासे किए हैं और जांच कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल दीपक, आपको बता दें इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई काफी रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। सबसे बड़ी अपडेट दे दें कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हुए जब आज अपनी डिटेल लेकर कोर्ट पहुंचे थे पुलिस अधिकारी, तो वहां पर जानकारी दी गई कि करीबन 14 दिनों की जो जुडिशियल कस्टडी है वो 6 आरोपियों को भेजा गया है। इसके साथ पुलिस द्वारा कई जो बड़े पहलू हैं उस केस को लेकर वो सामने रखे गए, जिनमें से एक पहलू ये निकल कर सामने आ रहा है कि जो आरोपी के साथ जो ड्राइवर है और उसके जो पिता हैं उनका ये बयान है कि जब घटना हुई, यानी घटना का जो कारण है वो दरअसल 17 वर्षीय आरोपी नहीं बल्कि वो ड्राइवर है, क्योंकि वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। ऐसे में पुलिस को इस पहलू की भी जांच करनी है। उसके साथ पुलिस ने इस बात को भी लेकर आरोप लगाया कि जो सीसीटीवी फुटेज या सीसीटीवी डीवीआर जो आरोपी के घर से बरामद हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कुछ छेड़खानी जो है वो की गई है। ऐसे में ये भी एक जांच का पहलू है। इसके साथ कई ऐसे पहलू इसमें निकल कर सामने आए हैं, क्योंकि 6 जो आरोपी हैं इस पूरे मामले में, तो पुलिस इस मसले की जांच करना चाह रही है कि क्या महज जो आरोपी है वही इंटॉक्सिकेटेड था, यानी उसी ने अल्कोहल कंज्यूम की थी, या इसके अलावा उसके साथ गाड़ी में सवार अन्य आरोपी ने किसी अन्य पदार्थ के जो मादक पदार्थ है उसका उपयोग किया था। तो कई सारे ऐसे पहलू हैं जो सरकारी पक्ष द्वारा अदालत में रखे गए थे। हालांकि डिफेंस द्वारा ये आरोप लगाया गया कि पुलिस महज इस मामले को लंबा खींचना चाहती है, ऐसे में इस तरीके की जो फर्जी दलीलें हैं वो रखी जा रही है। हालांकि दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट द्वारा फैसला लिया गया कि सभी आरोपियों को, यानी कि 6 आरोपियों को 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। जी दीपक, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करेंगे नीलेश आपका इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।